हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पैनासोनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है हीटर मॉडल वाली और उसमें S17 के एरर शो हो रहा है तो S17 एरर क्यों आता है और उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर देने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रदर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँ। सो गाइस, हम बात करते हैं पैनासोनिक फ्रंट लोड हीटर मॉडल वॉशिंग मशीन में अगर S17 एरर आ रहा है तो वो एरर है गाइस इकोनॉमी थर्मिस्टर फेलियर का वो एरर है। तो आपको इसमें करना ये होगा, अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को खोलिए, उसमें देखिए इकोनॉमी थर्मिस्टर जो सेंसर लगा हुआ है हो सकता है चूहे ने उसकी वायर को ब्रेक कर दिया हो। तो उस वायर को अगर आप चूहे ने ब्रेक किया है तो उसको रिपेयर करके चले तो ठीक हो जाएगा, अगर चूहे ने ब्रेक नहीं किया है तो आपको जो इकोनॉमी थर्मिस्टर जो सेंसर लगा हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंसर को आप चेंज कर देते हैं तो S17 वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।